हाउ टू डाउनलोड एमएक्स प्लेयर ऑनलाइन वर्जन। अगर आप एमएक्स प्लेयर के यूज़र्स हैं और आप एमएक्स प्लेयर को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये बात तो नॉर्मली पता ही होगी कि आप एमएक्स प्लेयर के जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं या फिर ऑनलाइन जो भी मूवीज़ होती है या वेब सीरीज़ होते हैं, उन्हें हम सिर्फ वॉच कर सकते थे। लेकिन बारी आती थी जब उन्हें डाउनलोड करने की, तो हमें वहाँ पे कोई भी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, बिकॉज हम सिर्फ ओनली वहाँ पे वॉच कर सकते थे। वेल, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एमएक्स प्लेयर में, बट फाइनली एमएक्स प्लेयर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अभी आप एमएक्स प्लेयर के कोई भी नॉर्मल से भी वीडियोस को या फिर मूवीज़ को अगर आप चेकआउट करेंगे या वेब सीरीज़ को भी अगर आप चेकआउट करेंगे, तो आपको उनको प्ले करने के साथ साथ अगर आपको उन्हें डाउनलोड भी करना है, तो आपको सिंपली ऐसा डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये मैं एक वेब सीरीज यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्ले करने के बाद अगर मुझे इसे डाउनलोड करना है, तो इसे वॉच करने के साथ साथ मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे डाउन साइड में इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यू कैन सी दैट। जब इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज में हम इस वीडियो को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लो क्वालिटी, मीडियम एंड हाई क्वालिटी। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका, यू कैन सी दैट। इट इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग यार, बिकॉज लेकिन ये जो फीचर है ये कम्प्लीटली अमेजिंग है, और यह आपको कोई सारे एमएक्स प्लेयर के वर्जन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ पर्टिकुलर वर्जन है एमएक्स प्लेयर का जिसमें ही आपको ये फीचर मिलेगा। यस, अगर आप भी अपने एमएक्स प्लेयर में इस फीचर को लाना चाहते हैं, तो जैसा मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा वैसा ही आपको फॉलो करना है। यस, तो सबसे पहले आपको अपने एमएक्स प्लेयर में, जो आपने एमएक्स प्लेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है, तो सबसे पहले उस एमएक्स प्लेयर को आपको करना होगा डिलीट। और आपको बता रहा कि आपको ऐसा कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है एमएक्स प्लेयर का जिसमें आपको ये फीचर मिलेगा। तो ऑनलाइन वर्जन अगर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, और क्रोम में आपको सेम एस इसेट सर्च करना है, एमएक्स प्लेयर 2.1.7। यस, आपको एमएक्स प्लेयर का 2.1.7 वाला वर्ज़न अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने भी यही से इंस्टॉल किया है apkpure.com वेबसाइट पे आके, और इसमें आपको ये एमएक्स प्लेयर का 2.1.7 वाला ऑनलाइन वर्ज़न मिल जाएगा। तो बस आपको सिंपली एमएक्स प्लेयर का ये वर्ज़न आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बस उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ज़रा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बैक जाना है, और यहाँ पर आपको डाउन साइड में ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हो जाएगा, जिसका वर्ज़न होगा 2.1.7। यस, और ये एमएक्स प्लेयर का बीटा वर्ज़न है। उसके बाद आप जैसे ही अपने मोबाइल में एमएक्स प्लेयर का ये बीटा एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, देन आपके यहाँ पे आपको ये पूरा ऑनलाइन वेब सीरीज या ऑनलाइन वीडियो या मूवीज़ को वॉच एंड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको एमएक्स प्लेयर का यही वर्ज़न डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो वर्ज़न है, इसमें जो भी वीडियो या मूवीज़ को आप डाउनलोड करेंगे, उन्हें आप अपने गैलरी में सेव्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उन्हें डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन उन्हें देखने के लिए ऑफलाइन बेस पे आपको देखने के लिए वहाँ पे आपको फिर से एमएक्स प्लेयर का एप्लीकेशन ही ओपन करना पड़ेगा, और यही पे आपको आके आप उसे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस पे वॉच करना होगा। दैट्स इट। तो इसी तरीके से आप एमएक्स प्लेयर के जो ऑनलाइन वर्जन्स हैं, उन वर्जन्स को आप इजीली इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको विद प्रूफ बताया। और एक और बात को बताना चाहूँगा कि ये जो वर्जन है, ये जो फीचर है, जो भी डाउनलोड का फीचर है, ये आपको सारे वीडियोस या सारे मूवीज़ में डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कुछ लिमिटेड वीडियोस या लिमिटेड मूवीज़ या लिमिटेड म्यूजिक्स को ही आप यहाँ पे
वॉच करने के साथ साथ डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो फीचर है ये एक टेस्टिंग मोड में चल रहा है, तो आपको सारे फीचर्स में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसी तरीके से आप ऑनलाइन वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हैं 2020 में।